नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। कोलकाता नाइट्स राइडर टीम के क्रिकेटर राहुल त्रिपाठी गलत कारणों से चर्चा में हैं। महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी पर पुणे पुलिस ने कथित तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया था। राहुल को आखिरी बार क्रिकेट मैदान पर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में KKR के लिए खेलते हुए देखा गया था। कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी IPL 2021 में अपनी बैटिंग और फील्डिंग को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। उन्होंने इस सीजन KKR की तरफ से कुछ दमदार पारियां भी खेली थीं। इसी बीच राहुल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वो अपने गेम नहीं बल्कि कोरोना नियमों के उल्लंघन करने के चलते चर्चा में हैं। पुणे पुलिस ने राहुल पर कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने की वजह से भारी जुर्माना लगाया है। बता दें, भारत में कोरोना की दूसरी लहर जारी है और इससे बचाव के लिए हर जगह सख्त नियम बनाए गए हैं। पुणे में भी पुलिस प्रशासन मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफ़ी सतर्क है और इसका पालन नहीं करने वालों पर भारी जुर्माना लगा रही है। पुणे पुलिस के सख्ती से राहुल त्रिपाठी भी नहीं बच सके। दरअसल राहुल पुणे में अपनी कार में बिना मास्क लगाए हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने राहुल को रोक कर उन पर ₹500 का जुर्माना लगाया। फैंस को राहुल का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। राहुल ने IPL 2021 के स्थगित होने से पहले KKR की तरफ से खेलते हुए 7 मैचों में 135.50 के शानदार स्ट्राइक रेट से 187 रन जड़े थे। उन्होंने इस दौरान एक अर्धशतक भी लगाया था। राहुल IPL में अब तक 52 मुकाबले खेल चुके हैं और 134.90 के स्ट्राइक रेट से 1175 रन बना चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर की टीम का प्रदर्शन इस सीजन काफ़ी निराशाजनक रहा था और टीम ने 7 में से महज 2 मैचों में जीत दर्ज की थी। आपको बता दें, पुणे में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और पुलिस अधिकारी हमेशा नियंत्रण क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए देखे जाते हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और महाराष्ट्र के इससे ज़्यादा प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार ने अब तक कोविड-19 प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।